टाइम हुआ जितना उस हिसाब से मैं शॉपिंग करूं, कैसे करके मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7 बजे हैं और मैं हुई हूँ रेडी, जाना है दिवाली शॉपिंग के लिए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी दिवाली की शॉपिंग करनी है कि नहीं है, कल तो जाने वाले थे तो नहीं गए, कल भी इनको टाइम नहीं था, फिर रात में खाली हम होटल में ही गए खाने के लिए। तो कल मैं आई थक के वहाँ से रात को, आज मैंने फर्नीचर नहीं किया सुबह में, बट वैसे भी मैं डेली करती हूँ, साफ लगता ही है, इतना डस्ट नहीं लगती है। तो फर्नीचर नहीं किया क्योंकि सुबह में थकी हुई थी, मेरे से हो नहीं रहा था आज फर्नीचर, तो आज मैंने रेस्ट कर ली। तो ये बोले थे और काजल भी बोल रही है, मम्मी शॉपिंग करके आए क्यों, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगी, दिन ही कितने पड़े हैं दिवाली में। तो मेरे लिए और काजल के लिए ड्रेसेस लेनी है, तो देखते हैं। वैसे मैंने बेडशीट भी सोचा था आज लेके आने के लिए, प्रोग्राम बना था हमारा इवनिंग में, पहले इन्होंने बोला बेडशीट लेने जा रहे हैं, बेडशीट लेके फिर वहाँ से सीधा ड्रेसेस लेने चलेंगे, बट क्या हुआ अभी इनको फ़ोन आ गया, इनको काम पड़ गया, तो उन्होंने बोला काम पड़ गया है। वैसे हम 8 बजे निकलने वाले थे, 7 हुए हैं अभी, तो 8 बजे निकल के हम पहले पहले बेडशीट लेने वाले थे, बेडशीट लेके फिर उसके बाद मैं जाके ड्रेसेस लेती थी मार्केट में जाके, बट वो कैंसिल हो गया। तो इन्होंने बोला आज तुम दोनों खाली अपने लिए ड्रेसेस देखो और बेडशीट फिर कभी तू या काजल या भले तीनों चलेंगे, जैसे हुआ है या एक्टिवा पे तू चलना साथ में या काजल चले, या तो फिर तीनों चलेंगे फिर किसी दिन, क्यों तो काम है बहुत, दिवाली का टाइम है। मैंने बोला ठीक है चलेगा, मैं भी वैसे पहले भी मैं इनको बोल रही थी दो साइड नहीं चलो, वहाँ पे भी चलेंगे बेडशीट लेने और पिलो कवर्स भी चाहिए मुझे, बेडशीट वगैरह सब लेंगे, फिर उसके बाद थक के मैं जाऊं ड्रेसेस लेने, तो दो दो काम साथ में हो जाएंगे, तो इसके लिए एक करो, मैं पहले ही बोली थी या तो बेडशीट लेने चलो या तो ड्रेसेस लेने चलो, फिर अभी हम जाएंगे ड्रेसेस लेने आज, और ये आएंगे अभी सीधा 9 बजे। इन्होंने टाइम लेट कर दिया, 8 बजे की वजह से 9 बजे कर लिया। तो मैंने बोला चलो ठीक है आप काम उतारो, दिवाली का टाइम है, काम तो होगा ही रहेगा। और मैंने पहनी है इसके नीचे जीन, ये मैं कब का लेके बैठी हूँ, लेकिन पहनती काजल है, मैं नहीं पहनती हूँ, क्यों तो जीन पहले मुझे थोड़ी फिट हो रही थी, अभी तो वेट लॉस हो गया है तो सब कपड़े मुझे आ रहे हैं अच्छे से। तो काजल बोल रही है मम्मी आपने अच्छा कर लिया है, वेट लॉस करके सब पहन सक रहे हो, तो सब पहन सक रही हूँ अभी, जो भी हो कपड़े मेरे पहले नहीं आते थे वो सब अभी पहन रही हूँ मैं। तो अभी काजल के लिए और मेरे लिए मैं मैगी बना रही हूँ, अभी तो नहीं आ रहे हैं, मैगी खा ले भी, उसके बाद फिर मैं जाने की तैयारी करूंगी। तो वैसे मैं सोच रही थी नाइट सूट पहन के बैठूं, फिर सीधा ये 9 बजे बोल रहा है अभी लेट, तो फिर 9 बजे मैं रेडी हो जाऊं, 9 के पहले, फिर लगा मैं एक साथ ही कपड़े पहन लेती हूँ, तो क्यों तो तैयार हो जा रही हूँ मैं, लिपस्टिक वगैरह लगा के जाने दो फिर बहुत लेट हो जाएगी, तो इससे अच्छा जितना काम हो सकता है मेरा मैं कवर करूँ। यहाँ की बेडशीट अभी इवनिंग में मैंने चेंज कर ली है, इवनिंग में मैंने चेंज कर ली है, सुबह में मैंने चेंज नहीं करी। यहाँ पे तो हाल ही एक है ना, कितना बार भी मैं बेडशीट बिछाऊँ मुझे 2-3 बार दिन में उतारनी ही पड़ती है, या उतार के बिछाऊँ रोज़ का रोज इवनिंग में, या तो फिर 2-3 बार फिट करनी पड़ती है। तो अभी देख के मैं अच्छे से बेडशीट कोई लेके आऊँगी, अच्छी हो, लाइट कलर नहीं हो, वैसे ये वाइट कलर तो धोने के बाद भी मैली हो रही है, अभी ये तो काम की नहीं रही, ये हाल फिलहाल मैंने बिछा दी है, क्यों तो इन्होंने बोला है मैं जाले वगैरह उतार के दूंगा, तो जाले उतारेंगे तो मैंने जानबूझ के ये ओल्ड हो गई है अभी ये बिछा दी है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करके मैं मैगी बना लेती हूँ, और बाहर इग्नोर करना, फटाके हो के आवाज़ आ रहे हैं, बच्चे जला रहे हैं अभी फटाके, दिवाली है तो आवाज़ नेचुरली साउंड्स बहुत आएंगे दिवाली में, तो लेट्स इग्नोर माई बैकग्राउंड वॉइस। अभी सीधा मैं चलती हूँ किचन में, 7:15 बज चुके हैं, काजल से भी बात कर रही थी, तो अभी मैं फटाफट से मैगी बना लेती हूँ, क्यों तो 9 बजने में थोड़ा ही टाइम है, जल्दी से वो टाइम कितने में गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, जितना काम हो सके मैं कवर कर रही हूँ। और रात के लिए तो सब्जी पड़ी है, रात के लिए मुझे खाना बनाने का टेंशन नहीं है, इन्होंने बोला मैं सब्जी लेके आऊंगा बाहर से, रोटी, ओ सब्जी बोल रही हूँ, रोटी लेके आऊंगा भाई, बाकी सब्जी पड़ी है, दाल, मैंने ये दाल बनाई थी दाल मखनी, तो दाल मखनी बनाई है, आफ्टरनून में मैंने ज़्यादा बना ली, मुझे लग ही रहा था कि आज बाजार के लिए निकलेंगे तो फिर कल भी बाहर से घूम के आए, कितना बाहर से खा के आई है मैं, बहुत खा के आई हूँ,
तो आज भी मैंने बोला फिर इतना बाहर से हो जाएगा, पहले ये बोले थे बाहर से खाना। काजल को याद आया मम्मी दाल इतनी बनाई है, मैंने बोला हाँ मैंने दाल बनाई तो थी इतनी पड़ी है, तो वही रोटी लेके आएंगे, बाहर से खाना नहीं बनाना है, बस अभी मैगी बना लेती हूँ और ये अटेंसेस मुझे लगाने हैं। अटेंसेस वगैरह लगा लूँ क्यों, तो मैं रात को आऊँगी थक के, फिर मेरा ऐसा हाल होता है मैं सीधा कपड़े चेंज करके अपना बेड पे सो जाऊँगी, बिग बॉस वगैरह थोड़ा देखूँगी और सो जाऊँगी, क्यों तो मेरे से काम ही नहीं होता है। सुबह में भी पैर में दर्द पड़ रहा था, मैं कल वॉक किया है तो मैंने बाज़ार में, तो अभी मैं जल्दी टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से बना लेती हूँ, जितना काम कर सकी मैं उतना कवर करके जा रही हूँ। हबी का भी फोन आ गया अभी कि मैं आ रहा हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया, नाश्ता खा के चाय पी के वहाँ पे ही बैठी हूँ, तो उठ के फिर अभी मैंने कब्बस ही रखा और मोबाइल का जो बोला चार्जिंग खलास है तो मोबाइल में भी चार्ज पे रखा, और अटेंसेस मुझे लगाने थे, अभी आके ही लगाएगी काजल ही लगाएगी, क्यों तो मैं कहीं पे जाती हूँ ना आके मेरे से काम होता ही नहीं है। मॉम का भी फोन आया, मॉम को भी बोला था मैं शाम को जाऊँ बाजार, टाइम हुआ जितना उस हिसाब से मैं शॉपिंग करूंगी, अच्छी मिली तो लेके आऊंगी। मैं भी को तो देखूंगी, ये टाइम ऐसा होता है ना, लास्ट ईयर ऐसा हुआ मैं दिवाली पे वापस आई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, अच्छे अच्छे नहीं थे क्लोज, अगर अच्छे होंगे तो लूंगी, नहीं तो फिर मैं वापस ही आऊंगी, क्यों तो फिर मैं दिवाली के बाद शॉपिंग करूंगी, मैं कोशिश करूंगी अच्छा मिले, अगर अच्छा ना मिले जिस हिसाब से मैंने सोचा है ना, इस बार भी अभी सोचा है मैंने मुझे कैसा लुक रखना है, जैसे मैंने बर्थडे पे सोचा था कैसा लुक रखना है, तो उस हिसाब से मिला तो ठीक है ना, तो मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। और दाल भी अगर मैं फ्रिज में रख दी है मैंने, खाली रोटी लेके आएंगे जाएंगे तो फिर वही हम आके खाएंगे, दाल गर्म कर लेगी काजल, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बाज़ार से होके आऊँ राउंड लगा के आऊँ वही बहुत है, ना अटेंसेस लगाए ना क्या, जितना मैं बोल रही थी मैं कवर करूँ, यहाँ की खाली बेडशीट चेंज की है, नाश्ता बनाया है और कपड़े चेंज कर लिए, उसमें ही थक गई हूँ, अच्छा हुआ पहले ही मैंने चेंज कर लिए, मैं काजल को बोल रही थी नाइटी में ही बैठ रही हूँ, रात को मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर सोच रही थी लिपस्टिक नहीं लगाऊँ, लिपस्टिक भी जाने के टाइम पे लगाऊंगी, फिर काजल बोल रही थी मम्मी अच्छी ड्रेस पहनी है लिपस्टिक लगा के बैठो ना, वैसे भी ब्लॉग में लगा के बैठते हो, चलो ठीक है रेडी होके बैठती हूँ मैं, नहीं लिपस्टिक लगाऊँ तो भी अच्छी लग रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ये फटाकड़े दिवाली के
टकाटक लगी पड़ी है यहाँ पे, आवाज बहुत है। अभी दिवाली में थोड़े दिन बचे हैं और बच्चे खूब अभी से ही एंजॉय करने लग गए। और जैसे मैंने आपको बताया था वो डाइटिशियन का फ़ोन आएगा, उसका वेट कर रहे हैं और अभी तक फ़ोन नहीं आया। मैं कल भी पूरा दिन मैंने वेट किया, आज भी पूरा दिन वेट किया। मैं ना डाइटिशियन को बोलूँगी कि मेरा वेट ना बढ़े, ये मेरा टमी है ना और थोड़ा अंदर जाए और मैं ना ऐसे स्लिम स्लिम अच्छी लगूँ। जैसे अभी काजल भी बोल रही है, मम्मी अभी अच्छे हो गए ना, देखो कपड़े पहन रहे हो सब अच्छे लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं ऐसे। तो मैं यही, वेट इतना हो, वेट इससे ना बढ़े लेकिन टमी मेरा अंदर जाए, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना वो ना हो। तो मैं उस हिसाब से बोलूँगी डाइटिशियन को अपने, भाई मेरा ऐसे डाइट रखो जैसे मैं वेट भी ज़्यादा पुट ऑन नहीं हो और ज़्यादा लॉस भी ना हो मेरा। इससे भी ज़्यादा लॉस हो गया ना तो ये भी कपड़े सूट नहीं होंगे, इंडियन भी सूट नहीं होंगे, कुछ नहीं सूट होने वाला मुझे। मैं वेट कर रही हूँ, उनका फ़ोन नहीं आ रहा है। फिर काजल ने लिखा डॉक्टर से, जहाँ पे व्हाट्सएप पे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं उसे लिख दिया है कल इवनिंग में। तो उसने आज देखा है कि हमने लिखा था काजल ने, भाई डाइटिशियन का कॉल नहीं आया अभी तक, तो उन्होंने ओके लिखा है। तो मे भी डॉक्टर को बोल देंगे कल तक मे भी आ जाए। तो मुझे लग रहा था आज इवनिंग में ही कॉल आ जाएगा, तो हो सकता है कल तक मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए, डाइटिशियन से भी हो जाए तो अच्छा है, मेरा डाइट प्लान शुरू हो जाए। तो देखते हैं अभी मैं डाइट प्लान कर सकती हूँ कि नहीं। तो बस अभी मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ, अभी भी आ रहा है जल्दी से, काजल भी रेडी हो रही है, ये फ्री हो गए हैं आ रहे है। तो दोनों तीनों निकलते हैं शॉपिंग पे। अभी भी आ चुके हैं, अभी 9:15 बज रहे, काजल भी रेडी है, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे मैं बोल रही थी डाइटिशियन का, मैं वेट कर रही हूँ कॉल आए, तो उनकी तरफ से कॉल आ गया अभी। तो अभी जस्ट अभी बात हुई है, तभी मैं बैठी थी, नहीं तो कब का निकल जाती थी। तो 10 मिनट उन्होंने बोला बात कर लो, मैं बताती हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि जो डाइटिशियन है मेरी, तो वो अपॉइंटमेंट देंगे दिवाली के बाद, अभी फुल है बिल्कुल भी, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उस हिसाब से सब बताएंगे। 1 मंथ में एक ही बार वीडियो कॉलिंग होगी, 3 मंथ का प्लान बताया है डाइट प्लान, तो एक ही बार 1 मंथ में कॉल होगी। तो उसमें आधे घंटे का सेशन रहेगा, आधा घंटा वीडियो कॉलिंग होगी व्हाट्सएप पे, और सब उसमें मुझे सब बताया जाएगा कि टाइम पे सोना है, उठना है, और सुबह का नाश्ता, आफ्टरनून और रात का खाना कैसे खाना है, लंच और डिनर सब कैसे खाना है, और कितना खाना है, और कौन से अथराइड की वजह से, उन्होंने बोला भाई हम बताएंगे कौन से पल्सेस खाने हैं, कौन सी वेजिटेबल्स खानी है, कौन से फ्रूट खाने हैं, नहीं खाने हैं, कितना डाइट रखना है। तो सब मेरा डाइट प्लान होगा, 3 मंथ का प्लान है ये। 1 मंथ में एक बार आधा घंटे का सेशन रहेगा, तो वो अभी दिवाली के बाद मिलने वाला है। तो अभी तो मैं आज अपॉइंटमेंट, उन्होंने नंबर दे दिया है तो अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तो दिवाली के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और मेरा डाइट प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी मेरा काम हो गया। तो अभी उसमें अभी टाइम है, मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, मैंने बोला मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तो जब भी वो मिले मुझे दिवाली के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कभी अपॉइंटमेंट मिलती है और मेरा डाइट प्लान कभी स्टार्ट होता है सब अच्छे से। निकल रहे हैं, तैयारी हो रही है, और मैंने पहने हैं शूज। काजल अपना दिखा रही है, मैंने अभी शूज ही पहने, काजल ने बोला मम्मी शूज पहनो, तो ये काजल से वीक में मिले हैं, ये शूज ही पहने हैं मैंने।
11 बज चुके हैं, 11:15 बज रहे हैं। इतना घूम घूम के थक गए हैं, कुछ बाजार में समझने में नहीं आ रहा है। एक तो रेट्स इतने हाई रखे हैं और ऊपर से जो पसंद आ रहा है तो उसके रेट्स हाई, या तो फिर मेले ऐसे कपड़े मिल रहे थे। समझ में नहीं आ रहा है कैसे करके मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ। काजल फिर से कल जाएगी, काजल को नहीं मिला है, जैसे चाहिए था ड्रेस वैसे नहीं मिला, और मैंने भी जैसे सोचा था वैसे नहीं मिला, दूसरी टाइप का मिला है। देखते हैं दिवाली को पहनूंगी, आप देखना कैसे लगता है। दिवाली का ब्लॉग वैसे निकालूंगी तो यही पहनूंगी मैं, तो देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी मैं ट्राई करके देखूंगी, अल्टर कराना होगा तो अल्टर कराऊंगी, अगर पूरा आया तो ठीक, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज करा लूंगी। क्यों तो डाउट है, मैं पहन के देखूं मुझे पता नहीं चलता है। जैसे मैंने बर्थडे पे भी लिया था 3 पीस, तो पता नहीं चल रहा था कैसे मिलेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे, बट पहनने के बाद तो एकदम तो मस्त फैंटास्टिक लग रहा था। अब ये भी फैंटास्टिक लगे तो अच्छा, अभी पहन के रखूंगी मैं। और अभी गए हैं रोटी लेने, दाल पड़ी है, गरम करेगी काजल। मेरे तो पैर फोल्ड ही नहीं हो रहे थे, ऐसे ऐसी हालत हुई। ऑटो में बैठ रही थी, पूरे पैर सीधे, इतने घंटे घूमे हम पूरी बाजार में, पैर ही नहीं, टांग मेरी नी नहीं फोल्ड हो रहा था कैसे करके। अभी ने आस्ते आस्ते से ऑटो में बिठाया है, वही बोल रहे थे देख तू, बोल रही थी मैं चल के फिर रोटी बनाऊंगी। तो अभी रोटी लेने गए हैं।